बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोफेशनल्स के लिए। तो भाई अगर आप एज अ प्रो काम करते हो, एज अ प्रोफेशनल काम करते हो, ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो कर देता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू द औजला दी अनबॉक्सिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2 लाख है, आज हम इस प्राइस रेंज की बात करेंगे। एंड अगर आपका बजट 90,000 से कम है, मैंने पहले ही उसकी वीडियो की है, मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेके भाई अगर आपका बजट 1,10,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, यार मैंने रखे हैं 4 लैपटॉप। ये चारों लैपटॉप पूरे लोडेड होने वाले। अगर आपने एज आ प्रोफेशनल काम करना है, एज आ प्रो काम करना है, एज आ डेवलपर काम करना है, या फिर अगर आपने एज आ क्रिएटर काम करना है, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पर यार मैंने रखा है MIC क्रिएटर्स को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो यार नाम से ही पता चल रहा है कि आपको MIC क्रिएटर तो बेस्ट है फॉर क्रिएटर्स के लिए। प्लस इसके मॉडल्स वगैरह बहुत देखने को मिल जाते हैं आपको। 16 GB रैम भी मिल जाएगी, 8 GB रैम भी मिल जाएगी आपको, 4 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा आपको, 6 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो 10 मिल जाती है लेटेस्ट वर्जन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। अगर आपने ऐसा प्रो काम करना है, ऐसा प्रोफेशनल काम करना, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। आप जा सकते हो MSC क्रिएटर्स की और। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है ASUS ROG Zephyrus G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये लैपटॉप है। बिकॉज इसके जो डिज़ाइन हो गए, इसके कलर हो गए, प्लस इसकी बैक साइड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, इसमें आपको 8 GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16 GB रैम भी मिल जाएगी। उसके बाद ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, RTX 2060 के साथ आपको वो भी ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको राइजन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, राइजन 5 भी मिल जाएगा आपको, राइजन 7 भी देखने को मिल जाएगा। जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग पैसे इंक्रीज होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन भी इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है ASUS ROG Strix को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो यार इसका स्टाइलिश डिज़ाइन तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ भी स्पेसिफिकेशन इसके पूरे लोडेड मिल जाते हैं। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं तो ये 90,000 के बजट में आपको लैपटॉप मिल जाएगा। एंड भाई अगर आप 90,000 के बजट में इस लैपटॉप को ले भी लेते हो ना, तो आपके पैसे ख़राब नहीं होने वाले, आप लॉन्ग टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हो। आपको 16 GB रैम मिल जाएगी, ग्राफिक कार्ड इसमें आपको 4 GB भी मिल जाएगा, 6 GB भी मिल जाएगा। अगर इसकी मैं डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 144 रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने डिस्प्ले पे कोई भी काम करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, आपके लिए ये लैपटॉप भी परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पर यार मैंने रखा है HP Omen को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये लैपटॉप भी बहुत तगड़ा है भाई। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, उसके बाद अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। जो लैपटॉप है वो डुअल डिस्प्ले सपोर्ट करता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसके और भी स्पेसिफिकेशन बहुत आते हैं आपको, डुअल फैन मिल जाते हैं, एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, डिस्प्ले क्वालिटी इसकी भी बहुत तगड़ी है। एंड अगर मैं बात करूँ HP Omen की, इसका प्राइस तो यार 2 लाख के बजट तक भी चला जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है 80,000 से, 80,000 के बजट से ये स्टार्ट हो जाता है। एंड इसका प्राइस 2 लाख के बजट तक भी चला जाता है। तो जितने स्पेसिफिकेशन, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, इन चारों लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड भाई अगर आप सही बजट में लेना चाहते हो, तो आपको 1,10,000 के बजट में या 1 लाख के बजट में आपको फुल लोडेड स्पेसिफिकेशन मिल जाते हो, जिस पर आप एज अ क्रिएटर काम कर सकते हो, एज अ डेवलपर काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, उसके बाद आप गेमिंग कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, मतलब आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर अगर आपका बजट 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है, अभी हम इस प्राइस रेंज की बात करते हैं। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूं भी, मैं आपको डीपली नहीं बता रहा, बिकॉज मेरी वीडियो को लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स वाई, और कोई भी रीजन नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, यार मैंने 5 लैपटॉप रखे हैं, 2 बताऊंगा। अगर आपने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा। प्लस भाई अगर आपको एज अ प्रो काम करना है, एज अ क्रिएटर
क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, उसके साथ साथ भाई अगर आपको एज अ लाइक ऐसा डिजाइन चाहिए, आपको क्लासिक डिजाइन चाहिए या प्रीमियम डिजाइन चाहिए, मैं आपको 3 लैपटॉप बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गेमिंग लैपटॉप से। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है एसर प्रेडेटर को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ बेस्ट है फॉर वीडियो एडिटिंग के लिए एंड भाई बेस्ट है फॉर गेमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए। भाई अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है या अगर आपने 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है एसर प्रेडेटर। मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ आपको 144 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें आपको 16GB रैम देखने को मिल जाएगी। अपग्रेड आप 32GB तक कर सकते हो। आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत तगड़ा मिल जाता है, जो कि 6GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा आपको, 2060 RTX ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगी, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, अगर आप एसर प्रोडेटर की ओर जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ या नंबर 1 पर मैंने रखा है ASUS TUF Gaming A15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये भी लैपटॉप पूरा तगड़ा, अगर आपको गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K ट्राई करना चाहते हो, 4K वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, बहुत तगड़ा आपके लिए होने वाला। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, इसकी भी डिस्प्ले आपको 144 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी, 16GB रैम मिल जाएगी, RTX ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें राइजन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, आपको राइजन 7 देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत तगड़ा है भाई। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। आप इन दोनों लैपटॉप्स की ओर जा सकते हो, जितनी भी लोडेड फाइल पर काम करना आप कर सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको 2 लैपटॉप बता दिया। अभी बात करते हैं, अगर आपको एक क्लासिक डिजाइन चाहिए, प्रीमियम डिजाइन चाहिए एंड अगर आपको बजट 1,10,000 से लेकर 1,40,000 इस प्राइस रेंज में, मैंने 3 लैपटॉप रखे हैं। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है ASUS ZenBook Duo को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सेकंड डिस्प्ले जो है ना, वो आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। आपको इसमें 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम भी मिल जाएगी, आपको RTX ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको MX 250 2GB के साथ ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे, आप देख लेना अगर आपने लैपटॉप की ओर जाना है। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखी है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, ये 2-in-1 लैपटॉप है। आप एज अ टैब भी यूज कर सकते हो, आप एज अ लैपटॉप भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत लाइट वेट देखने को मिलेगा, क्लासिक डिजाइन है, इसके कलर्स वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं। आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी। मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको 6GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन इंक्रीज होते जाएंगे। एक बार आप इसको चेकआउट जरूर करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, ये लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है 90,000 से, 90,000 से स्टार्ट हो जाता है एंड इसका प्राइस भाई 2,00,000 के ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। इसके भी स्पेसिफिकेशन बहुत है भाई। अगर आप 1,50,000 के बजट तक लोगे, उसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी। अगर आप 1,50,000 से अपर लोगे, उसमें आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, 8GB रैम भी मिल जाएगी, 32GB रैम तक भी मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड भी सेम है भाई, 4GB भी मिल जाएगा, 6GB भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल क्रिएटर्स बहुत पसंद करते हैं इस लैपटॉप को, बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत तगड़ी है। प्लस HP ब्रांड है, कि ट्रस्टेड ब्रांड आपको मिल जाता है। तो आप चेकआउट कर लेना, अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आता है आप जा सकते हो HP Spectre X360 की ओर। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको 5 ही लैपटॉप्स के बता दिए। 5 लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,40,000, इनमें से कोई भी आप लैपटॉप परचेज कर लेते हो तो आपके पैसे खराब नहीं होने वाले। आपको फुल लोडेड लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, उसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत तगड़े मिल जाते हैं। एंड मैं जो भी लैपटॉप बता रहा हूँ वो यार एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आते हैं। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,50,000 से लेकर 2,00,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,50,000 से लेकर 2,00,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैंने रखे हैं यार 8 लैपटॉप है, वो बहुत तगड़े होने वाले हैं। मैं जितने भी लैपटॉप बताऊंगा वो बहुत तगड़े होने वाले हैं। 3 लैपटॉप बताऊंगा भाई, अगर आपको ऐसा गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, उसके बाद फोटो एडिटिंग करनी है, या कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, लाइव स्ट्रीम करनी है, आपके लिए मैं 3 लैपटॉप बताऊंगा। एंड भाई अगर आपको एक प्रो काम करना है, प्रोफेशनल काम करना है, आपको एक प्रीमियम डिजाइन चाहिए, क्लासी डिजाइन चाहिए, तो आपके लिए भाई मैं 5 लैपटॉप बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप से, बात करते हैं नंबर 3 की, Razer Blade 15। तो सबसे पहले बता दूं, इसके भी वेरिएंट बहुत देखने को मिलते हैं। आपको Razer Blade 13 मिल जाएगी, Razer Blade 15 मिल जाएगी, Razer Blade 17 देखने को मिल जाएगी। आगे भी इसके वेरिएंट बहुत देखने को मिलते हैं। Razer Blade 15 में भी आपको 7 से 8 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं।
अलग अलग जो स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, किसी में आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, किसी में आपको 4K डिस्प्ले मिल जाएगी, किसी में आपको 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, किसी में आपको RTX ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा, किसी में आपको i5 मिल जाएगा, किसी में आपको i7 देखने को मिल जाएगा। तो आप देख लेना इनमें से जो भी स्पेसिफिकेशन आपको सही लगते हैं आप ले सकते हो। गेमिंग डिज़ाइन में आता है, इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा सही है, बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है, स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत तगड़ी है, एंड भाई इसका ट्रैक पैड भी बहुत ज़्यादा सही है। आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू पर यार मैंने रखा है MSI GE66 रेडार को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो यार इसका डिज़ाइन कलर वगैरह बहुत सही देखने को मिलते हैं, आपको RGB लाइटिंग के साथ देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं, आपको i7 देखने को मिल जाएगा, 32GB रैम मिल जाएगी, 8GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 10 मिल जाएगी, प्लस MSI की ओर से आपको बहुत सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए तगड़ा होने वाला है, अगर आपने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन पर यार मैंने रखा है डेल Alienware। मुझे लैपटॉप ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसकी लुक एंड जो एलियन का बैक साइड में लोगो आता है जो, वो RGB लाइटिंग के साथ देखने को मिलता है यार, उसकी लुक बहुत ज़्यादा सी, एंड इसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े। अगर आपने आज तक का कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, लास्ट स्ट्रीम करनी है, गेमिंग लास्ट स्ट्रीम करनी है, उसके बाद भी अगर आपने 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है डेल Alienware। आप इसको भी चाउड कर लेना, मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड किए, मैं डीपली नहीं बता रहा यार, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है। तो अभी बात करते हैं, अगर आपको एज अ प्रो काम करना है, एज अ प्रोफेशनल काम करना है, एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, आपके लिए मैं लैपटॉप बताने लगा हूँ, 5 लैपटॉप बताऊंगा बहुत तगड़े होने वाले हैं। सीधी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5 पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360। तो इसके स्पेसिफिकेशन इंक्रीज हो जाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था, 1.5 लाख से अपर आप ले लेते हो तो आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, आपको 16GB रैम देखने को मिल जाएगी, 4GB ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो आप देख लेना, अगर आपने HP Spectre X360 की ओर जाना आप जा सकते हो, प्लस आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है। मैं आपको पहले भूल गया था आपको बताना। आगे बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर यार मैंने रखी है डेल XPS 70। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है, इसके तीन मॉडल देखने को मिलते हैं, 13 इंच, 15 इंच एंड 17 इंच। तो मैं बात करूँ 17 इंच की, तो इसमें आपको अल्ट्रा HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 16GB रैम के साथ आती है, 4 to 6GB आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा 2019 वर्जन, प्लस आपको SSD देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना, डेल की ओर जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 का लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मैं बात करूं ASUS ZenBook Pro Duo की। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, मुझे पसंद इसीलिए बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं यार, आपको 4K अल्ट्रा HD OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है। अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, एनिमेशन करते हो, कार्टून ड्रॉ करते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। सेकंड डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, आपको RTX 2060 6GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, उसके बाद आपको 32GB रैम देखने को मिल जाती है, जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो 64GB रैम तक, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, अगर आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। कोई भी आज तक आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 2 एंड नंबर 1 की। नंबर 2 एंड नंबर 1 पर यार मैंने रखी है एप्पल मैकबुक 13 या एप्पल मैकबुक प्रो। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सभी को पता है कि एप्पल मैकबुक की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, फॉर क्रिएटर्स के लिए, फॉर डेवलपर्स के लिए, फॉर एज अ प्रो आपने काम करना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ भी, अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है तो आपने 16GB रैम की ओर मिनिमम जाना ही जाना है, उसके नीचे आपने नहीं जाना, बिकॉज आपके पैसे खराब हो जाएंगे अगर आपने 8GB रैम की ओर चल गए, ठीक है। तो 16GB रैम आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है, आपने 16GB रैम की ओर मिनिमम जाना ही जाना है। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, इनमें से कोई भी आप लैपटॉप ले लेते हो, आपका एक पैसा भी खराब नहीं होने वाला, आप लॉन्ग टाइम पीरियड इन लैपटॉप को यूज कर सकते हो, एज अ गेमिंग के लिए, एज अ लाइव स्ट्रीम के लिए, एज अ क्रिएटर, एज अ डेवलपर, एज अ प्रो, एज अ प्रोफेशनल, या एज अ स्टूडेंट, एज अ ऑफिस वर्क के लिए, एज अ एनिमेशन करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, एज अ आर्किटेक्चर हो, कुछ भी काम करते हो भी, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, 2021 में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने, सबसे ज़्यादा बिकने वाले ये लैपटॉप है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पर गले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।